चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्टिंग का वीडियो दिखाऊंगा। ये मेरी टर्न टेबल है, आज इसका मैंने वीडियो भी आपको अपलोड किया है कि कैसे मैंने इसको यूज़ किया है। और पहली बार इतनी शानदार है, इसको मैं टी टेबल और टर्न टेबल दोनों के रूप में यूज़ करूँगा और दिखने में भी शानदार है एकदम। तो आज इसके ऊपर अपन करेंगे। इसका मैंने वायरिंग का और प्रूनिंग का इस का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ मैं। और अब आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, और क्योंकि आने वाले टाइम पे ऑलरेडी प्रून कर चुका हूँ, तो ये बहुत ही शानदार, इसमें नए लीफ शुरू भी हो गए हैं। 3 या 4 दिन हुए हैं इसको ट्रिम किए हुए, पर इसके नए लीफ आना, नए बड्स आना शुरू हो गए हैं। तो अभी इसको ये आने वाले टाइम पे पूरा ग्रीन होने वाला है। फरवरी मार्च में इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो ये पूरा भर जाएगा। तो ये अब ऐसे पोर्ट में रखना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको रख देता हूँ। वैसे रिपोर्टिंग का सही टाइम नहीं है, सही टाइम इसका फरवरी मार्च में होता है, और या फिर मानसून के टाइम पे करिए। बट इसमें क्या है, मैं रूट्स को टच नहीं करूँगा ज़्यादा, रूट्स को बिना टच किए ही इसको मैं पोर्ट करने वाला हूँ। और ये अपना पोर्ट है, इस पोर्ट में पहले से ही जाली लगी हुई है, जो पहले मैंने एक दूसरे काम के लिए जाली लगाई थी वो जाली लगाई हुई है। पीछे की तरफ से आपने इसमें लॉक किया हुआ है, जाली को प्रिपेयर्ड है। और ये अपना, आज मैं एक तरीका और बताता हूँ। जब भी आपका पोर्ट हो, उसमें से यदि आपको निकालना है, प्लांट निकालना है, तो उसको क्या करिए, साइड में से ऐसे ऐसे पकड़ के उसको किसी पे, पत्थर पे या उस पर हल्का हल्का मारिए, हल्का हल्का यहाँ से दबाने से ये पोर्ट आपके हाथ में ऐसे करके बाहर आ जाएगा, और ये इसमें ऐसे ऐसे कंडीशन में आ जाएगा। अभी हालांकि ये मेरा पहले से क्योंकि निकाला हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो मैं आपको दूसरा प्लांट में ऐसा करके दिखा सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज इसमें ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग का सही टाइम नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा इसको मैं नीचे से निकालूंगा, पहले तो इसके नीचे जो ठेकरी लगी हुई थी वो ठेकरी निकाल देते हैं। और ये देखिए, इसमें अच्छा खासा रूट लॉकिंग हो चुका है। ये प्लांट भी आप देखोगे तो दो तीन साल पुराना है, और मुझे ये 50 रुपीज़ में मिला था ओनली, और ये मेरे लिए बोनसाई का बहुत ही अच्छा तोहफा मिला मुझे। ऐसा आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं, रूट लॉकिंग हो चुकी है, और इसकी मैंने वो नीचे से जो ठिकरी थी, ये देखिए, ये इसके नीचे की ठिकरी मैंने हटा दी थी। और अभी अपना इसमें ये लेयरिंग है, ये रूट्स एक्चुअली लॉक हो चुकी है। थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको सिर्फ हाइट को कम कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी जो काम है वो बाद में किया जाएगा इसमें, क्योंकि अभी ये मेरे लिए सिर्फ इसको इसके अंदर सेट होने इतना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक्चुअली इसको कम ही मिट्टी को हटाना चाह रहा था, पर काफ़ी हट गई है ये वाली। तो दोस्तों, इसमें मैं एक्चुअली कम ही हटाना चाह रहा था, पर ये थोड़ी सी मिट्टी अपने आप ही गिर गई है, कोई बात नहीं है। बाकी जो भी रूट बॉल है उसको नहीं टच करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके ये नीचे जो मेन ट्रंक है उसका टैप रूट है, उसको थोड़ा सा कट करूँगा, क्योंकि मेरे हाइट मुझे कम रखनी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कट कर दिया है, तो अब ये मेरी विद इन मेरे हाइट इसमें आ जाएगा। और मैं अब इसमें एक रूट, ये जो इस साइड में जा रही थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा लाइन में लेके आया हूँ। वैसे दो रूट एक साथ हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके इसको एडजस्ट कर दिया है। अब इसमें अपन बोनसाई सोयल डालेंगे। अब ये बोनसाई सोयल डाल दी है, अब इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑफ सेंटर इसको फिट करूँगा। अब मेरा फ्रंट ये है, मैं इसको ऑफ सेंटर फिट कर दिया मैंने, और रूट्स को मैंने साइड में लगा दिया है। और अब अपन बाकी की मिट्टी इसमें डालेंगे। ये सोइल मिक्स मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें एयर बबल्स जो हैं उनको थोड़ा हटाने के लिए आपको अच्छे से उसके
इस केस में मैंने ज़रा भी रूट प्रूनिंग नहीं करी है, सिर्फ इसको रिपोर्ट किया है। ये भी टाइम सही नहीं है, बट फाइकस प्लांट है वो सर्वाइव कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए इसको मैं कर रहा हूँ। ये फाइकस है इसलिए कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इस पर फिर से अपन, ये पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, वैसे स्टिक आती है इसकी, ऑलरेडी मैं मेरे टूल्स में बता चुका हूँ। ये देखिए, ये फ़ायदा होता है टर्न टेबल का। यदि आपके पास टर्न टेबल है तो आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में क्या काम करना है, कहाँ पे कितना है। ये कुछ रूट्स इसकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, बट मैं अभी उसको टर्न नहीं किया क्योंकि ये दिसंबर, नवंबर दिसंबर का महीने होते हैं, इनमें थोड़ा नॉर्मल सॉइल डाल देता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कम पड़ गई है। पर ये ध्यान रखें कि इसके जो जड़ों के बीच में कहीं भी एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं रहेगा। आज थोड़ा इवनिंग का टाइम हो गया है, पर मुझे दिन में पूरे दिन भर काम था इसलिए इसको बना नहीं पाया। अभी टाइम मिल रहा तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। इसका प्रूनिंग का वीडियो पहले है और ये इसकी पोटिंग का वीडियो है, इसको रिपोटिंग किया है नॉर्मल गमले में से, इसको सेलो पोट में बनाया है। ये नहीं, सॉरी, इसके लिए ये इस गमले में था ये, और इसमें डाला है। अब देखना इसका जो लुक आएगा बहुत ही शानदार आएगा। अब ये लोग दोस्तों ये लगभग तैयार है। और अब दोस्तों देखिए, ये अपना रिपोर्टिंग तैयार है, सेलो पोट के अंदर है ये। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन वन मंथ आपको इतना शानदार ग्रीन कलर में मिलेगा, और सेलो पोट सेरेमिक पोट के अंदर बहुत ही शानदार लगेगा। तो दोस्तों, मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो में कंप्लीट बोनसाई और उस पर गार्डनिंग पे आपके मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और ये देखिए शानदार लग रहा है। तो दोस्तों बाय, शाम का टाइम है अभी, शायद वीडियो भी अच्छा नहीं बनेगा उसके बाद में। ओके बाय, थैंक यू।